यू आर वॉचिंग गली न्यूज। दोस्तों गली न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक साल के जुनैद इमरान सुतार। इनमें खास बात है, उनकी मम्मी भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक अलग खास बात है कान को लेके, इनके कान पे एक कान अलग है और एक कान जो है वो अलग है। उस कान में जो है इनका दावा है कि वो जो अल्लाह का नाम लिखा हुआ रहता है वैसे शेप में है, तो ये दिखाना चाहते हैं। बात करेंगे इनकी मम्मी से। जुनैद खान साहब तो बात नहीं कर सकते, 10 मिनट से बहुत परेशान कर दिया आधे घंटे से। तो जुनैद भाई सलाम करो, सलाम करो, उधर बोलो सलाम। तो ये जुनैद खान है दोस्तों, ये आप बाजू में देख सकते हैं हमारे विंडो, साइड विंडो पे हम उसमें बता रहे हैं। इनका कान देखिए, लेफ्ट कान अलग है, राइट कान अलग है। जो लेफ्ट कान ना, जो लेफ्ट कान है उस कान का शेप जो है जैसा अल्लाह का नाम लिखा जाता है वैसा नाम रिजेंबल होता है। बात करते हैं इनकी मम्मी लुबना जी से। लुबना जी कहाँ रहते हैं आप? मैं चेंबूर लोखंडे मार्ग में रहती हूँ। हाँ, चेंबूर लोखंडे मार्ग में जी। ये क्या खासियत आपको दिखी इसके कान में? अल्लाह नाम लिखा हुआ है। हाँ, अल्लाह नाम लिखा हुआ है लेफ्ट वाले ईयर पे। तो कैसे आपको पता चला? पैदाइशी के वक्त था कि बाद में? नहीं, पैदाइशी के वक्त ही था। हाँ। तो हॉस्पिटल में थे तभी पता चल गया, फर्स्ट टाइम देखे थे तभी। तो उसके बाद पता चला। किसने नोटिस किया था? मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया था और डॉक्टर ने किया था। अच्छा, डॉक्टर ने भी किया था? जी। क्या बोले? उन्होंने बोला एक कान उसका अलग है और एक कान अलग है। तो फिर हमने नोटिस किया तो उसमें पता चला कि ये बना हुआ है अल्लाह। अच्छा जी। तो उसके बाद क्या हुआ घर वालों में? अच्छा अच्छा, उसको एक दिन बड़े से इंटरव्यू में लेने में प्रॉब्लम नहीं आता बच्चों में ना। जुनैद भाई ओके, जुनैद भाई ओके, अभी हम बात करें चलो। हाँ, फिर घर में आपने आजू बाजू वाले को दिखा है? हाँ, मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं ना, स्टूडेंट्स भी आते हैं तो सब लोग ने नोटिस किया है। अच्छा। मतलब हम लोग घर में बात करते रहते हैं तो फिर उसके बाद में भी दो चार लोग सब आजू बाजू के भी जमा होके देखने लगे। क्या कह रहे हैं वो? मतलब क्या एक कुछ कहते हैं ना, क्या नहीं ऐसा है? किसी ने नेगेटिव कहा कि मतलब? नहीं, किसी ने भी नहीं किया, सब लोग फोटोज वगैरह ले लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरे कान में वैसा नहीं है ना? नहीं, दूसरे कान में नहीं है। है ना, वही कान में, एक ही कान में है। अच्छा, गांव में आप बता रहे थे कि गांव का कुछ? हाँ, गांव में, गांव में भी मतलब सब लोग को पता है कि कान पे अल्लाह लिखा हुआ है। मेरे हस्बैंड ने बताए थे तो सबको पता चल गया। जी, क्या रिएक्शन था गांव में मस्जिद में जब उसको लेके गए थे? नहीं, सब लोग तो माइक नीचे कर दे रहे हैं। जी, सब लोग बताए कि ठीक है लिखा हुआ है इसलिए। तो फिर बात, किस मुफ्ती ने काम को दिखा है आपने कि ये? हाँ, मेरे हस्बैंड लेके गए थे, उन्होंने बताया। बात बात कर सकते हैं? मेरे को लगता है एक स्टैंड लगाना पड़ेगा आपके हाथ के नीचे। जी, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। जी हाँ, बोलिए। हाँ, तो घनसोली में भी लेके गए थे तो वहाँ के भी मुफ्ती को बताए थे जब हम घनसोली में रहते थे। मैडम उसको वो चाहिए। अच्छा, एक मिनट, आ गया। दोस्तों जिनोद भाई इंटरव्यू देने के लिए एक साल का बच्चा, रिश्वत देनी पड़ रही है, देखो ना, इसको चीज बॉल खिलाना पड़ रहा है। जी, घनसोली में क्या कहा आपने? हम पहला घनसोली में रह रहे थे, अभी अगस्त में हम इधर आए। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर सब जगह मालूम पड़ गया किसका कान में? हाँ, वहाँ पे तो मतलब कैसा है, वो मस्जिद में जाते थे ना तभी वो मौलवी को पता था तो उन्हें बताए थे उनको। वो आपके हाथ में कोई स्प्रिंग लगी है मेरे ख्याल से, मुझे आपको टेका देना ही पड़ेगा, ऐसी बात करानी पड़ेगी। माइक जो है आप थोड़ा सा ऊपर रखिए। हाँ जी। फिर अच्छा, वहाँ घनसोली हो गया, और कहाँ हो गया? बस, और कराड़ में पता चला। क्या हो कराड़ में, क्या रिएक्शन? नहीं, वहाँ पे तो मतलब रिश्तेदार में भी पता चला और गांव में पता चला सबको। और फिर मेरे स्टूडेंट्स आते हैं मेकअप एकेडमी में तो उसमें भी सबको पता चला। अच्छा। तो सब लोग फोटोज वगैरह लेके जाते हैं। किसी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं? नहीं है। नहीं, सब लोग बोलते है। ये जैसे आपने मुझे फोटो भेजा ना, मैंने फरहान को बोला तू तेरे कान से अलग अलग है कि नहीं, तो ऐसा था। तो माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा, मुफ्ती अकरम ने कुछ ऐसा दिया है कि इनको, ये बच्चे को मतलब? नहीं अभी कि नोटिस मत करो या मतलब ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले। देखिए उन्होंने? हाँ। क्या कहा? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, बस बोले माशाल्लाह बहुत अच्छा है। उन्होंने भी फोटोज वगैरह खींच के रखे। अच्छा, उन्होंने फोटो खींच लिए। जुनैद भाई जरा मम्मी का हाथ पकड़ लिया, ऊपर करो, मम्मी का हाथ पकड़ लिया, ऊपर करो। तो दोस्तों ये था हमारे एक साल के छोटे नन्हे जुनैद इमरान सुतार।
इनकी मम्मी का जो है क्या क्या बिजनेस है आपका? मेकअप एकेडमी का काम है इनका। तो इनके पास घर में एक साल का बच्चा है, अल्लाह ताला ने इसके जो कान का जो अंदर का जो नक्शा होता है, डिजाइन होता है, इनका दावा है कि वो अल्लाह का नाम जैसा लिखा जाता है वैसे मैच होता है। और कई इन्होंने मुफ्ती साहब को भी दिखा है, उन्होंने भी फोटो लिया और कई लोगों ने इसकी तारीफ की। आप देखिए, अभी हर आदमी की अलग अलग राय रहती है, आप उसमें देख सकते हैं और आपको क्या लगता है सामने कमेंट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तू बड़ा आएगा ना, देख तेरे चिप्स का पैसा डबल डबल लूंगा, याद रख। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो, अल्लाह बोलो, अल्लाह 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 बोलो, अल्लाह बोलते हैं नहीं। तो मुबारक हो आपको, अल्लाह ने एक आपको एक अलग ही किस्म का वो दिया। हमने भी देखे कुछ फर्क तो है वाकई, कहीं ना कहीं कुछ फर्क जो है वो, अभी मुझे भी जाके मेरा कान भी चेक करना पड़ेगा कि भाई कुछ नहीं, मतलब वो दिखने के लिए नहीं कि अलग होता है कि नहीं, मतलब एक होता है ना कि दोनों सेम होता है, मैं ये नहीं देखूंगा कि उसमें अल्लाह लिखा हुआ है कि नहीं, मैं ये देखूंगा कि दोनों के काम सेम रहते हैं कि नहीं, वो देखना है। मेरा माइक आपके आपसे एक शिकायत रह गई इंटरव्यू में, आप मेरा माइक बार बार नीचे कर देते जी। अच्छा, किसी ने बोला कि आपको कि नहीं ऐसा टीवी पे मैं जाके बताओ या कुछ घर वाले कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम चला सकते हैं ना ये इंटरव्यू? हाँ, हाँ, चलाओ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ स्टूडियो में आने का, जुनैद भाई आपका भी बहुत बहुत स्टूडियो, और आपको जो फीडिंग कर रही है वहां से उस तरफ से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। खिलाओ जुनैद भाई को एक चीज।